हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रन टिल डेथ। एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अन्नू रानी के बारे में बात करेंगे। बिकॉज आपको मैंने पहले बताया था, ऑन 21 जुलाई को अन्नू रानी ने क्वालिफाई किया था फॉर द वुमेन्स जेवलिन फाइनल विद द थ्रो ऑफ 59.60 मीटर्स। तो फ्रेंड्स, हम अन्नू रानी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। सो गाइस, विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपके सामने आप देख सकते हो ये स्टार्ट लिस्ट है वुमेंस जेवलिन थ्रो फाइनल इवेंट का। इसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ल्ड रैंकिंग प्लेयर्स है, वर्ल्ड चैम्पियन है, देन ओलंपिक चैम्पियन भी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पे आप हमारे अन्नू रानी को देख सकते हो, बिब नंबर 781 विद द वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ 16। उनका पर्सनल बेस्ट एंड सीजन बेस्ट देख सकते हो 63.82 मीटर से। तो उनको कल देखने में हमको बहुत ही उम्मीद रहेगी कि देखते पोडियम पे फिनिश कर पाते हैं कि नहीं। फ्रेंड्स, ये वुमेंस जेवलिन थ्रो आप लाइव देख सकते हो टुमोरो, दैट इज़ 23 जुलाई इन इंडिया एट 6:50 AM ऑन सोनी 10.2 एंड सोनी लिव ऐप। फ्रेंड्स, कई कई बार तो सोनी 10.2 पे लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं होता, तो आप लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हो सोनी लिव ऐप पे, बट सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है सोनी लिव ऐप पे। आज सुबह तो मज़ा ही आ गया, बिकॉज नीरज चोपड़ा ने फर्स्ट ही थ्रो में 88.29 मीटर्स थ्रो किया, देन रोहित यादव 80.42 मीटर्स का थ्रो किया, तो वो क्वालिफाई कर गए, दोनों क्वालिफाई कर गए फॉर द फाइनल्स ऑफ द मेंस जेवलिन इवेंट। तो वो उनका भी फाइनल देखने में मज़ा आएगा, जो कि 24 जुलाई को है, आई थिंक 24 जुलाई को संडे आता है, तो वो होगा 7 बजे क्या थे, आप लाइव देख सकते हो वो वाला मैच। ये देखते हैं कल हमारी अन्नू रानी क्या पोजीशन हासिल करती है, या पोडियम फिनिश कर पाएगी वो। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइए कि कौन ये लेके जाएगा वुमेंस जेवलिन का गोल्ड मेडल। So guys, if you like this video, then put a thumbs up and hit the subscribe button. I will coming with another informative video on World Athletic Championship. So guys, keep watching Run Till Death as always.